हेलो स्टूडेंट्स, तो गुरुनीति में आपका वापस फिर से स्वागत है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की गुरुनीति अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ओके। अब हम लेके आए हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो दो चैप्टर हैं उनमें तीन गुरुनीति आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें प्रत्येक में 50-50 क्वेश्चन जो हमने लिए हैं, जिसमें ऑल ओवर जो बायोटेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चन को रिकवर कर लेंगे। तो मैं सर्वेश यादव और मेरे साथ हैं मिस्टर करण यादव, सीएलसी की जो एकदम डायनेमिक पर्सनैलिटी, ओके। तो हम दोनों आपको बायोटेक की जो भी गुरुनीति है उनको एक्सप्लेन करेंगे और आपसे आशा है कि आप बिल्कुल एंजॉय करोगे। पूरा ध्यान देना है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से सर आपकी बार क्वेश्चन काफी आए हैं। चैप्टर दो हैं छोटे छोटे, लेकिन अब की बार 2020 का एग्जाम हुआ है उसमें 8 क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी, दो चैप्टर हैं छोटे छोटे और 8 क्वेश्चन। और मेरा मानना है कि स्कोरिंग है, अगर बच्चा उसको थोड़ा अच्छे से अगर कवर कर ले तो क्वेश्चन के गलत होने के चांस नहीं होते, क्योंकि बायोटेक में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल के, और बिल्कुल एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर कंसिडर करने होंगे। तो पूरा फोकस करना है क्योंकि इसका वेटेज अच्छा है, और मेरे ख्याल से बच्चों को वेटेज के अकॉर्डिंग थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। 8 क्वेश्चन दो चैप्टर में, जिसको अपन एक छोटा सा बायोटेक का पार्ट बोलते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी है और वो भी कोई घुमा के नहीं आते। हाँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये कि माइनर मिस्टेक ना, माइनर मिस्टेक, क्योंकि सिली मिस्टेक जो है वो खा जाते हैं बच्चे को। तो इसलिए आपको बिल्कुल 100% फोकस करना है। तो आज आप बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट की गुरुनीति देखोगे, उसके बाद में एक बार वापस से पूरा बायोटेक का रिवीजन करो, ताकि अगली दो गुरुनीति आए तो आप बिल्कुल हमारे साथ जो है उन चीजों को रिकवर करते रहो। ठीक है सर, करें स्टार्ट। यस सर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है एन इम्पोर्टेंट फैक्टर विच मेक द प्लाज्मिड एक्ट एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बड़ा बिल्कुल स्टार्टिंग अच्छे क्वेश्चन से हुई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सर जो वेक्टर है उनका बड़ा रोल होता है, तो एक बार थोड़ा सा बच्चों को एक्सप्लेन कर देते हैं। जो वेक्टर होते हैं उनको यूज में क्यों लिया गया, वेक्टर एक्चुअली होते क्या है, ये डीएनए कैरियर्स है, व्हीकल्स इनको अपन बोलते हैं, जो डीएनए को कैरी करेंगे। और ऑब्वियसली डीएनए को कैरी करवाना है तो डीएनए मॉलिक्यूल होना चाहिए, क्योंकि डीएनए को डीएनए के साथ ही अपन लाइगेट कर सकते हैं। तो इसमें वेक्टर को यूज करने का बड़ा जो रीजन है वो ये कि आपको किसी भी सेल में, मान लो मैंने कोई बैक्टीरियल सेल ले ली, ये बैक्टीरिया है, आपको कोई डीएनए मॉलिक्यूल को इसके अंदर क्लोन करवाना है। बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, इस डीएनए को अगर इसमें आपको क्लोन करवाना है, डायरेक्टली आपने डीएनए मॉलिक्यूल इसमें इंसर्ट कर दिया तो सर जो है रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर ओरिसाइट अब्सेंट है। तो वैक्टर को यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि वैक्टर जो है इसको ओरिसाइट प्रोवाइड करवा दे, और ये ओरिसाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, आपने एक्सप्लेन भी किया था, समझा चुके हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइट। अगर डीएनए के पास ये ओरिसाइट नहीं है तो उसका कभी भी रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो वेक्टर करेगा क्या, इसके पास ओरिसाइट है, ओरिसाइट प्रोवाइड करवाएगा, तो डीएनए मॉलिक्यूल को जो वेक्टर के साथ अपन लाइगेट कर देंगे तो इस होस्ट सेल में ये इजीली क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। इसलिए रेप्लिकेशन के लिए इसकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, इसलिए वेक्टर एक बड़ा पार्ट भी है सर बायोटेक में, जो वेक्टर अलग से हेडिंग भी है और वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आते भी रहते हैं। और अपने एनसीईआरटी में प्लाज्मिड जो है वो दे रखा है PBR-322, बिल्कुल टिप्स भी होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर भी टिप्स भी होनी चाहिए, जो बीच में क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ देखो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो बड़ा सिंपल है, पहला ऑप्शन दिया इट कैन कैरी फॉरेन जीन इन होस्ट, जैसा भी अपन ने बताया बिल्कुल वेक्टर का काम यही होता है, होस्ट सेल में जो कैरी करेगा। फिर भी अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो जाएगा। It is resistant to heavy metals. इसका कोई importance नहीं है genetic engineering में. Lack of resistance of antibiotic हो सकता है, लेकिन अपना जो genetic engineering है उसमें जो major इसका role है वो आपका यही है. तो better जो answer है आपका है gene transfer. Gene transfer. Okay. तो next question पे चलते हैं. All the followings are properties of the enzyme tap polymerase. बहुत important enzyme है. और इससे भी sir लगभग question आता रहता है. Tap polymerase है. Obviously, एक DNA replicative enzyme है, that is DNA. DNA polymerase. Polymerase. एक category का enzyme. बिल्कुल. High temperature पर अपने पास में काम करता है और thermus acutus bacteria से इसको obtain किया जाता है. और ये तीनों जो आपने सर point बोले हैं, तीनों ही question है अपने आप में. That is DNA polymerase remain active at high temperature. जैसे सर ने बताया उच्च तापमान पर भी ये सक्रिय रहता है, क्योंकि इसका सर जो लगभग ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो ही देखो कितना है 72 डिग्री सेल्सियस, और ये 100 तक भी जो एक्टिव रहता है। इसलिए जनरली पीसीआर में इसको अपन काम में लेते हैं, क्योंकि सर पीसीआर में टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है फॉर द डिनेचुरेशन। और अगला सर ने बताया थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया से इसको प्राप्त किया जाता है, और ये क्वेश्चन भी पेटेंट है। तो अपने टैग पॉलीमरेज के तीनों जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने बता दिए, देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सेप्ट, तो प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है, प्रॉपर्टीज ऑफ टैग पॉलीमरेज एक्सेप्ट, इट इज थर्मो स्टेबल पॉलीमरेज, बिल्कुल सही बात है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम थर्मस एक्विटिकस, सर ने जैसा बताया बिल्कुल सही है।
इट इज यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, बिल्कुल करेक्ट है. इट इज द थर्मो स्टेबल आरएनए पॉलीमरेज. ये आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता, अभी सर ने बताया दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज. तो आंसर अपना हो जाएगा फोर्थ. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट. देखो बच्चों फिर ध्यान देना, यहाँ ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन करके उसके आंसर पे जाना है. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ने टैग पॉलीमरेज के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए. अब वो एग्जाम में कहीं से भी घुमा सकता है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं कि कोई क्वेश्चन पूछे तो अपन को उसी के अकॉर्डिंग इसको लपेटना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक हैज बीन डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम द निमेटोड. इन दिस टेक्निक एमआरएनए ऑफ निमेटोड इज साइलेंस्ड बाय प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट प्लांट. बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है. तो अच्छा भी क्वेश्चन है. आरएनए जो आई होती है, आरएनए इंटरफेरेंस, उसके अंदर अपन आरएनए को यूज करते हैं. और उसकी जो अपने पास में प्रोटीन बनाने की जो क्षमता है उसको हम अवरोधित करते हैं, उसको बाधित करते हैं. तो यहाँ पर देखो, अब क्या पूछा, निमेटोड साइलेंस बाय प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट तो ये पूछा गया, साइलेंस बाय प्रोड्यूस्ड, तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो? एसआईआरएनए. जो एसआईआरएनए है, स्मॉल इंटरव्यूअर आरएनए, वो प्रोड्यूस करेगा. और जो एसआईआरएनए है वो क्या करेगा, जो टारगेट जो आपका एमआरएनए है, जो किसका होगा, निमेटोड का होगा, उसको साइलेंट कर देगा, जो इसका ये प्रिंसिपल भी है. तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका एसआई, जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा उसमें, और एसआईआरएनए इसका टुकड़े कर देगा छोटे-छोटे, और उसकी वजह से ये साइलेंट नहीं हो जाएगा उसका. और काफी इंपॉर्टेंट भी है, टेक्निक से भी जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेलेक्ट नंबर ऑफ मिसमैच्ड पेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबल टेंपरेचर. तो थोड़ा सा एक पीसीआर से रिलेटेड सब क्वेश्चन आ गया. तो पीसीआर में जो है मेनली आपको पता है बेटा, तीन स्टेप होती है. फर्स्ट इज डिनेचुरेशन, सेकंड इज एनलिंग, एंड थर्ड एक्सटेंशन. डिनेचुरेशन जो है, यहां डायरेक्ट ये सर मेंशन कर देंगे, डिनेचुरेशन के लिए टेंपरेचर होता है, हां उसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे डिनेचुरेशन 92 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर. एनलिंग जो है उसके लिए टेंपरेचर आपको चाहिए, लो टेंपरेचर चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस. एक्सटेंशन जो है उसमें आपको चाहिए ऑप्टिमम टेंपरेचर फॉर द डीएनए पॉलीमरेज 72 डिग्री सेल्सियस. डीएनए पॉलीमरेज इसको मैच करो, डीएनए पॉलीमरेज को मैच करने ये रहा आपका टैग पॉलीमरेज. पॉलीमरेज काम आता है उसमें. हां तो आपने जैसे मिसमैच पूछा है सर, तो इसमें ये मिसमैच हो जाएगा. बिल्कुल, डीएनए पॉलीमरेज जो है उसका जो टेंपरेचर है अभी बताया 72 डिग्री सेल्सियस टैग पॉलीमरेज ये अपने पास है. और ये जो टैग पॉलीमरेज है उसमें हो जाएगा. तो डीएनए पॉलीमरेज उसने मैच कहां करवा रखा है 78. तो ये रेलेवेंस ये अपने पास. बाकी अभी अपन ने बताया था टैग पॉलीमरेज है वो 72 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पे जो है एफिशिएंटली वर्क करता है, बिकॉज़ इट इज इट्स ऑप्टिमम टेंपरेचर. तो पूछा है अपने से मिसमैच, ऑब्वियसली मिसमैच जो हो जाएगा उसमें पूछा है कि सेलेक्ट द नंबर ऑफ मिसमैच्ड. तो ऑब्वियसली यहां पर ये वाला डी वाला जो है वो क्या है, एक मिसमैच्ड है. तो यहां पर ए क्या हो जाएगा, मिसमैच्ड हो जाएगा. बिल्कुल, अपने पास में हाई टेम्परेचर पर इसका डीनेचुरेशन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट करके दोनों सीरीज अलग हो जाएंगे. एनिलिंग पर प्राइमर जुड़ जाएगा और एक्सटेंशन पर ये बनने लग जाएगा. तीन स्टेप ये एक सिंगल जो आपका साइकिल है पीसीआर का, सर ने बताया उस तरह से परफॉर्म होगा. इसमें एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे, अगला साइकिल चलेगा दो से चार हो जाएंगे. टू की पावर एन के रूप में जितने साइकिल होंगे, एन यहां पर नंबर ऑफ साइकिल हो जाएगा. तभी तो बोलते हैं पीसीआर जो उसकी हेल्प से अपन बहुत कम टाइम में जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स की काफी कॉपी जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं. और काफी, और मेरे ख्याल से आजकल जो पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कोरोना जो टेस्ट हो रहा है उसमें आरटीपीसीआर उसमें यही काम. हाँ, इतना बच्चों को भी आपने रीड किया होगा, जो आपका कोरोना वायरस है वो आरएनए वायरस है, इसलिए वहां पर आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो पीसीआर उसका यूज किया जा रहा है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कोरोना वायरस. बहुत कम मॉलिक्यूल अगर वायरस के बॉडी में होते हैं तो ये उसको एम्प्लीफाई करके डिटेक्ट कर सकते हैं, फिर उसको अपन पता कर लेंगे कि ये कौन सा वायरस है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है जो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या है, असत्य कथन है. पहला इसमें रीड करते हैं, इट इज अ टेक्निक दैट यूज फॉर ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमंस. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है.
भाई आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे इंसुलिन हो गया, इंसुलिन काफी इंपॉर्टेंट था पहले के टाइम पे, तो जब उपलब्ध नहीं होता था तब तो बड़ी दिक्कत होती। इंसुलिन को अपन ह्यूमन इंसुलिन, दैट इज कॉल्ड ह्यूमुलिन, इसका काफी जो है ब्रॉड लेवल पे इसका आजकल यूज में है, और ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट भी नहीं है कुछ भी इसके, एफिशिएंट साइड इफेक्ट। सेकंड ऑप्शन है, इट इज ऑफन रेफर्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बिल्कुल करेक्ट है, इसको अपन आरडीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें आरडीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए नाम ही दे दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थर्ड ऑप्शन, द ऑर्गेनिज्म कैरिंग द फॉरेन जीन इज टर्म्ड एज ट्रांसजेनिक और जीएमओ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपका ट्रांसजीन होता है, ट्रांसजीन बोले तो फॉरेन जीन, जो किसी अदर स्पीसीज का डीएनए उसमें प्रेजेंट है उसको अपन बोल देते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, और द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो सकता है तो जीएमएफ, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जीएमओ, कोई भी ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल, काफी अपन मॉडिफाई करवा भी चुके हैं, एग्जांपल भी आएंगे काफी सारे। फोर्थ दिया है एलेक जेफरीज डेवलप जेलेक्टोफोरेसिस, तो मेरे ख्याल से सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, हां क्योंकि एलेक जेफरीज जो है उसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसको डेवलप किया, तो इसका जो इलेक्ट्रोफोरेसिस से कोई लेना देना नहीं था उनका, आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कैरी बी मुलिस वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1993 फॉर हिज वर्क ऑन, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग, तो बस इतना याद रखना जो कैरी मुलिस है उसने पीसीआर जो टेक्निक है उसको डेवलप किया था, तो पीसीआर भी सिंपल क्वेश्चन है, पीसीआर टेक्निक डेवलप बाई कैरी मुलिस और इसको नोबेल प्राइज भी मिला, बिल्कुल ये केमिस्ट्री का जरूर था लेकिन बायो में काम किया था, ऐसे जैसे जॉर्ज गैमो का फिजिक्स का था, वो होता है बायोलॉजी में सर सभी की आवश्यकता होती है, बायोलॉजी जो है उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ बायोकेमिस्ट वगैरह सबकी रिक्वायरमेंट होती है, जगह जगह ये साइंटिस्ट के नाम है, तो मेरा मानना है कि जो एनसीईआरटी के साइंटिस्ट है उनको तो याद रखना चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पूछता है, बाकी तो बायोलॉजी में तो हर स्टेप पे एक साइंटिस्ट आता है कि इसने ये हाइपोथेसिस दी, ये डिस्कवर किया, ये टर्म दिया, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा साइंटिस्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा सर अपना दिया गया इसके लिए सेकंड, ये रहा पीसीआर, तो आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग फॉर बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर के संदर्भ में जो गलत कथन है उनको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो बायोरिएक्टर से रिलेटेड जो भी बातें एक बार उनको कंसीडर करते हैं अपन। ए स्टेटमेंट दिया, टेंपरेचर ऑफ बायोरिएक्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ द हॉट और कोल्ड वाटर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात, टेंपरेचर को रेगुलेट करना है तो वाटर के द्वारा अपने पास रेगुलेट किया जाता है, और रेगुलेशन जरूरी है टेंपरेचर का, उसके अंदर जो माइक्रोब्स ग्रो करवाते हैं, जो सेल्स ग्रो कराते हैं, तो ऑप्टिमम टेंपरेचर ग्रो नहीं करवाएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। स्पार्स स्टीर्ड टैंक टैंक इज सिलिंड्रिकल एंड कर्व, देखो एनसीईआरटी में सर दो डायग्राम दिए, दो रिएक्टर दिखाए हैं, एक तो सिंपल दे रखा है और एक स्पार्स, तो स्पार्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, उसका बेस जो है कर्व्ड नहीं है, और एक ये जो दे रखा है सिंपल वाला उसके अंदर जो बेस है वो कर्व्ड है, तो यहाँ इसने बोला है कि स्पार्स जो स्टीर्ड टैंक रिएक्टर है वो कर्व्ड है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये दे रखा है 100 to 1000 लीटर वॉल्यूम ऑफ कल्चर मीडियम में भी यूज, बिल्कुल सही है, ये तो कितने का मिल सकता है, वेरी करेगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट विटामिन साल्ट एंड ऑक्सीजन और टू फॉर द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है, ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करवानी, तो ये चीजें ऐड करनी ही पड़ेगी, करेक्ट स्टेटमेंट है। ये लास्ट वाला दिया, इट मेंटेन एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, सही है यहां तक बात, विदाउट यूजिंग द कल्चर मीडियम, ये इनकरेक्ट हो गया सर, बिना कल्चर मीडियम के अपन ग्रोथ को कैसे मेंटेन कर पाए, तो कल्चर मीडियम और ऑक्सीजन जो है वो जरूरी है तभी उनकी ग्रोथ हो पाए। भाई अपने पास में कोई भी ग्राफ बनाएंगे अपन तो बैक्टीरिया कल्चर मीडियम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहां तक आएगी, तो अपने पास में उसको मीडियम तो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, बिना कल्चर मीडियम के तो कोई ग्रोथ ही नहीं कर सकता ना, तो और ऑक्सीजन से अपने पास में उसको रेस्पिरेशन की एरोबिक है तो ऑक्सीजन की तो डिमांड जरूरी है, जरूरी है, तो अपने पास में दोनों की डिमांड जरूरी है, और उसमें भी मीडियम में भी देखो अपने को जो है कंटीन्यूअस कल्चर मीडियम जो है प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ताकि उसकी जो ग्रोथ है कंटिन्यू होती रहे। सही बात है सर, अगर मान लो कि अपने को एक हाईएस्ट पॉइंट पे बना करके रखना है हमेशा प्रोडक्टिविटी को, तो अपने को कंटिन्यू अपने पास में बायोरिएक्टर यूज करने पड़ेगा, जिसमें अपने पास में एक तरफ से हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे डाल, मतलब अपने पास में सबस्टेंस को डालेंगे, इधर से प्रोडक्ट निकलेगा, तो ये अपने पास में यूज करने पड़ेंगे ताकि हमेशा मैक्सिमम कंडीशन बनी रहे। ई स्टेटमेंट अपने पास में हो गया, इसमें दो स्टेटमेंट रॉन्ग, इस तरह से दो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, आंसर थर्ड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट पहले कंसीडर करते हैं उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आपका करेक्ट पूछे इनकरेक्ट पूछे उनका चुनाव करना है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है मिडिल ब्लेड इन स्पार्ज्ड स्टील्ड टैंक, इसमें पूछा है कि जो मिडिल ब्लेड है उसका क्या रोल है, या एक कॉमन सा स्टेटमेंट दे दिया मिडिल ब्लेड इन स्पार्ज्ड स्टील्ड टैंक. सेकंड दिया है लोअर मोस्ट ब्लेड ऑफ द शाफ्ट, इट इज अपर मोस्ट ब्लेड ऑफ द शाफ्ट. तीन स्टेटमेंट देके अब उसने क्वेश्चन डिजाइन किया, सेलेक्ट राइट ऑप्शन फॉर फॉर्म ब्रेकर झाग. बिल्कुल, झाग को कौन खत्म करेगा? झाग तो झाग को खत्म करना है तो बिल्कुल सिंपल है, जो बिल्कुल अपर वाली जो ब्लेड होती है उस पे आएंगे झाग, बिल्कुल फॉर्म बनते रहेंगे, वो फॉर्म को ब्रेक करेंगे, उसको बोलते हैं फॉर्म ब्रेकर सिस्टम. फॉर्म ब्रेकर सिस्टम, तो जो अपर ब्लेड होती है वो फॉर्म को क्या करेगी, ब्रेक करेगी. इस तरह से होती है सर, यहाँ पर ऊपर ब्लेड होती है, ये नीचे वाली तो मिक्सअप करने का कल्चर मीडियम का काम करेंगे, और जैसे ही फॉर्म बनेगा तो फॉर्म को डेस्ट्रॉय करने का काम अपर वाली करेगी, क्योंकि भाई झाग जो होते हैं इनकी डेंसिटी कम होती है, तो ये तो ऊपर ही आएंगे तो अपने पास में, इसलिए उसको तोड़ने का काम फर्स्ट ब्लेड में होगा. बिल्कुल, तो यहाँ पर जो आपकी अपर मोस्ट ब्लेड है वो फॉर्म ब्रेकर का काम करेगी, ओनली थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है. पहला ऑप्शन दिया है टॉलरेट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, बिल्कुल सही बात है, बात है, टेंपरेचर के प्रति, लवणता के प्रति, साल्टिविटी के प्रति, इनके प्रति अपने पास में स्टेबल होती है, ठीक है. जैसे सर फ्लावर शवर टोमेटो बनाया गया, ठीक है, वो अपने पास में एनवायरमेंटल के प्रति रेजिस्टेंस था, बहुत सारी क्रॉप बनाई गई अलग अलग, तो वो अपने पास में एनवायरमेंट के प्रति रेजिस्टेंस थी. बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट सही हो गया. पहला स्टेटमेंट सही, पेस्ट रेजिस्टेंट होती है, पेस्ट रेजिस्टेंस भी होती है. सबसे पहले जो बनाई गई थी ट्रांसजेनिक टोबैको, तंबाकू बनाई गई थी, वो पेस्ट रेजिस्टेंस से थी सर, है ना, तो पेस्ट रेजिस्टेंस अपने पास में बनाई गई थी सबसे पहले. दिया है कंटेंट कैरेक्टर ओनली वेक्टर डीएनए, तो यहाँ देखो इसने बोला है कि सिर्फ वाहक डीएनए लक्षण युक्त होते हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि खुद के लक्षण है, या आपने ट्रांसजेनिक जो ट्रांस जीन्स में इंसर्ट किए उसके लक्षण आएंगे, तो यहाँ जो वेक्टर उसका काम तो क्या होता है सर, केवल ट्रांसफर करना, बाकी जो कैरेक्टर है वो तो आपको जो डिजायर्ड कैरेक्टर वो इंसर्ट करने पड़ेंगे, वो तो फॉरिजन जीन के आएंगे, आपने जो जीन इंसर्ट किए उसके आएंगे, तो अपने पास में ये रॉन्ग हो जाएगा. थर्ड वाला जो इसका लक्षण नहीं है, थर्ड वाला इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस में यूज एज अपस्ट्रीम प्रोसेस, अपस्ट्रीम, बिल्कुल ये भी सर इंपॉर्टेंट है, हां एनसीईआरटी में जो डाउन और डाउनस्ट्रीम दो दे रखा है, तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है. देखो जो आपका दो प्रोसेस है, अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि डाउनस्ट्रीम डिटेल में दे रखा है. हां तो यहाँ पर देखो, वहां पर अभी जैसे अपन ने बात की बायोरिएक्टर की सर, जो बायोरिएक्टर होता है उसके अंदर अपन करते हैं बायोसिंथेसिस, आपका जो भी सेल वगैरह किसी का, बिल्कुल, तो यहाँ टैबलेट ले लेते हैं, मान लो पैरासिटामोल बना लिया, बिल्कुल, तो यहाँ पर बायोसिंथेसिस हो जाएगा. लेकिन ये जो बायोसिंथेटिक फेज है जो बायोरिएक्टर में परफॉर्म हो रही है, उससे पहले जो भी अपन ने प्रोसेस किए हैं, जैसे आपने वेक्टर लिया, जीन को कट किया, आइसोलेट किया, पीसीआर, पता नहीं क्या क्या आपने टेक्निक काम में ली, वो सब अपस्ट्रीम के अंदर इंक्लूड होंगे. सही बात है. और आफ्टर द बायोसिंथेटिक फेज, उसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट जैसे सर ने बताया, मान लो कोई टेबलेट ली, उस प्रोडक्ट को अब आपको ऑब्टेन करना है, आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है, प्योरीफाई करना है, तो वो चला जाएगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में, बाजार तक जाने तक. जैसे मान लो सर वो टेबलेट पर बैच नंबर लिखे होते हैं कि भाई इस बैच नंबर की है, तो अगर मान लो कि किसी भी चीज में बनावट में खराब आ जाएगी तो पूरे बैच को वापस मंगा लिया जाता है, तो वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर आते हैं सारे, मतलब बायोरिएक्टर के बाद में जो भी अपने पास में प्रोसेस होगा वो डाउनस्ट्रीम है, और पहले जो होगा वो अपस्ट्रीम है. और डाउनस्ट्रीम में जो मेन स्टेप है दे रखा है, जैसे एनसेट ने, सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन, सेपरेट करना है, प्योरीफाई करना है, और फिर उसकी मार्केटिंग करनी है. उससे पहले फिर ट्रायल भी करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल वगैरह, कोई भी प्रोडक्ट उसके लिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जरूरत होती है. क्लिनिकल ट्रायल ओनली इन द केस ऑफ ड्रग्स, जैसे ड्रग्स वगैरह हैं तो उनमें अपन क्लिनिकल ट्रायल भी करेंगे, उसमें माइस वगैरह, जैसे वैक्सीन डिजाइन किया है तो अपन उसमें माइस वगैरह में या मंकी वगैरह में उनका जनरली जो है ट्रायल, माइस पे फिर आ जाएगा मंकी पे, फिर कुछ अपने पास में लोग चुने जाएंगे सेलेक्टिव पर्सन, तब जाकर 2000 फिर उनके बाद पूरी पॉपुलेशन पे धीरे-धीरे आएगी. तो ये तो स्टेप फॉलो ही करने पड़ते हैं सर, चाहे कितनी जल्दी हो, जरूरी है, लोगों की जान जरूरी है, क्योंकि ये ठीक है, बहुत यूजफुल है, लेकिन इनका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, कोई भी किसी भी कोई प्रॉब्लम ना जाए, तो ये जरूरी होते हैं. और ये मेरे ख्याल से हर जो भी कंपनीज होती हैं उनको ये प्रोसेस फॉलो करना जरूरी होता है, तभी उनको वो जो है परमिशन मिलती है मार्केट के लिए. तो इसमें कुछ है के रूप में उपयोगी होता है, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ
RDNA, marketing, isolation of desired DNA. तो यहाँ पर देखो अभी जैसे अपन ने बताया upstream bioreactor और downstream, तो आपको upstream process पे जाना है, तो upstream process में क्या होगा, आपका formation of RDNA करना पड़ेगा क्योंकि upstream में आ गया। इसके अलावा marketing downstream में चला जाएगा, isolation of desired DNA ये भी upstream में आ जाएगा। तो दोनों जो हैं 1 and 3 ये upstream process के part हो जाएंगे। ठीक है, next question. Which of the following is not a step of gel electrophoresis? बिल्कुल gel electrophoresis की step जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर अपन select करेंगे कौन सा step जो है उसका wrong। अपन एक बार उसको थोड़ा summarize कर लो। देखो gel electrophoresis में अपने पास में DNA को separation किया जाता है, ठीक है, उसकी size के according। इसमें gel भरा होता है, agar agar कोई भी अपने पास में seaweed सब ले लेते हैं सर, ठीक है, उसके साइज के अकॉर्डिंग डीएनए को क्या किया जाता है, समराइज किया जाता है इसके अंदर, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग डीएनए अपने पास में आ जाता है, क्योंकि अपने पास में डीएनए की इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, जब हम यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में, तो जैसे ही डीएनए हम इसके अंदर डालते हैं तो अपने पास में वो फोर्स पड़ेगा, फोर्स पड़ेगा तो डीएनए मॉलिक्यूल अपने पास में जिस पर ज्यादा फोर्स लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांसफर हो जाएंगे, तो अपने पास में स्मॉलेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव के पास में आ जाएगा और लॉन्गेस्ट जो होगा वो अपने पास में नेगेटिव के पास में आ जाएगा। तो अपने पास में सारा डीएनए का खेल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग होता है, अंडर इलेक्ट्रिक। हाँ, अपने पास में जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा डीएनए पर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगेगा और वो डीएनए अपने पास में उसी तरह से अपने पास में मूव करेगा, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। और अपने पास में इसमें चार्ज्ड मॉलिक्यूल सेपरेट कर सकते हैं अपन, जैसे इसमें प्रोटीन तो अपन सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटीन पे चार्ज नहीं होता, तो चार्ज मॉलिक्यूल में डीएनए और आरएनए अपने पास में इसमें सेपरेट कर सकते हैं। अब अपने पास में फिर इसमें जेल में इस टुकड़े को अपन काट लेंगे, जब अपने किसी टुकड़े की स्टडी करनी है तो इसको काटना कहलाता है इल्यूशन, और उसको अपन देखना हो तो हम क्या करेंगे अल्ट्रावायलेट रेज में और अपने पास में इरिथ्रीडियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस में हम इसको विजिबल देख सकते हैं, अपने को ये नीले कलर का अपने पास में दिखाई देता है। तो जैसे सर ने पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता है? हाँ, इससे अब की बार में जो क्वेश्चन आया था ईटीबीआर का था, तो डाई काम में लेते हैं ईटीबीआर जो इथ्रियम ब्रोमाइड जो सर ने बताया उसको अपन यूज करेंगे। जो कलर आएगा बैंड का वो आएगा आपका ब्राइट ऑरेंज, बिल्कुल सिंपल पूछता है सर ने बता दिया, लार्जेस्ट का होंगे और स्मॉलेस्ट का होंगे, आपको याद रखना है कैथोड एनोड के अकॉर्डिंग, एनोड के पास कौन होगा, कैथोड के पास कौन होगा, और जो सेपरेशन हो रहा है उसमें डीएनए सारे आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो सेपरेट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, साइज के अकॉर्डिंग जो है वो क्या हो गए सेपरेट हो गए। तो इसके अलावा क्वेश्चन आता नहीं, एक पूछता है वो कि इसमें जो जेल है वो एग्रोज की बनी होती है, हां एग्रोज की बनी, जो एग्रोज है वो सीवीड से अपन ऑब्टेन करते हैं, एग्रोज जो है वो पॉलीमर होता है कार्बाइड से, हां अपने ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है, बिल्कुल। तो ये सारे जो है इंफॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस दे दी, आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे अपन उनको जल्दी से कवर भी कर लेंगे। तो इसमें चलते हैं वापस क्वेश्चन पे, ये पूछा है निम्न में से कौन सा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक पद नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट ऑफ ए चार्ज्ड डीएनए मॉलिक्यूल, ये तो सही बात है, use of UV rays to expose DNA segments without staining, जैसा अभी सर ने आपको बताया staining जरूरी है ETBR, बिल्कुल ETBR, तो statement जो है ये क्या हो गया आपका wrong, incorrect statement हो गया, developing an electric field to allow separation of charged DNA fragment, बिल्कुल correct है, electric field के बिना तो separation हो ही नहीं पाएगा। और last तरह का use of agrogel अभी बताया, agrogel का use करते हैं, तो यहाँ सर फिर तो जो answer wrong है या जो step नहीं है इसकी वो हो जाएगी अपनी second। और कई बार सर यहाँ पे भी गड़बड़ कर देता है, ultraviolet की जगह normal अपने पास में visible है, ध्यान रखना है only UV rays उसके ऊपर hit करोगे तभी वो bright orange दिखेगा, आपकी जो light है तो उसमें ये visible नहीं हो पाएगा। ओके, तो सारे electrophoresis क्वेश्चन हो भी गए सर, तो सारे जो है हो जाएंगे सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिसाइड बेटर एरिएशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टीज दैट द अदर एडवांटेज ऑफ स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव ओवर से फ्लास्क, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, उचित वायु में मिश्रित करने के गुण के अलावा जो विरोधक टैंक रिएक्टर है निक्सालन फ्लास्क पर क्या लाभ प्रदर्शित करता है, उसका जो एक्स्ट्रा जो एडवांटेज उसकी बात अपन ने की है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अदर माइक्रोब्स बिकम डाई ड्यू टू स्टीरिंग, नहीं होगा माइक्रोब्स तो डाई हो ही नहीं सकते, क्रिएट फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम होता है ऑब्वियसली जो फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए अभी अपन ने बताया था ब्लेड वगैरह, ब्लेड वगैरह, इंक्रीज नरिशमेंट वैल्यू ऑफ द
प्रोड्यूसिंग प्रोटीन नहीं हो सकता, नहीं वो चेंज करेगा में, ये तो नॉन लिविंग सिस्टम है, बिल्कुल लिविंग सिस्टम प्रोटीन कैसे बना सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा कि इसमें फॉर्म कंट्रोल सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी जो फॉर्म को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, सिंपल वाले में होता नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है। आंसर हो जाएगा सेकंड, कंसीडर द गिवन स्टेप इन रिलेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलो एक एक स्टेप पहले रीड करते हैं और यही मेंशन कर देंगे सर जो करेक्ट इनकरेक्ट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से ये फर्स्ट स्टेप भी होती है। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसके अंदर आपका डिजायरेबल कैरेक्टर कौन से जीन है, मतलब पूरे डीएनए को तो अपन वो नहीं कर सकते ना ट्रांसफर, तो अपन क्या करेंगे एक अपने जीन सेलेक्ट करेंगे उसके दोनों तरफ अपने पास में क्या होगी रेस्ट्रिक्शन साइड होगी, और पहली स्टेप यही होती है, पहली स्टेप यही होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जो आरी है उसको अपन क्या करेंगे आइसोलेट करेंगे। हां लेकिन ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है भाई आरी जो ऑब्टेन करते हैं लेकिन उसको इस स्टेप में अपन इंक्लूड नहीं करते, वो तो आरी जो है ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होते हैं अपने पास में, तो ये इसकी स्टेप नहीं है, तो आरी तो अपने पास में पहले से अवेलेबल होते हैं, इसका यूज करेंगे, यूज जरूर करेंगे, आइसोलेट करना कोई टेक्निक नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए टू होस्ट बिल्कुल करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करवाना है होस्ट सेल के अंदर। मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट बिल्कुल सही है, उसको मेंटेन करना है ताकि उसकी जो रेप्लिका बने फर्दर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो ट्रांसफर हो, सभी जीएमओ का फॉर्मेशन हो पाएगा। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए ऑफ द स्पेसिफिक पोर्शन बाय एक्टिविटी ऑफ एक्सोन्यूक्लिएज, नहीं होगा एंडोन्यूक्लिएज द्वारा अपने पास में इसको कट किया जाता है। एक्सोन्यूक्लिएज तो जनरली यूज ही नहीं आते हैं अपने पास में, एक्सोपेप्टाइड्स वगैरह यूज आते हैं वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, तो एक्सोन्यूक्लिएज तो अपने पास में जनरली यूज ही नहीं आते, तो कौन सा चरण नहीं है, नहीं है तो अपने पास में बी और ई, बी और जो ई है वो इसमें स्टेप में नहीं है, फोर्थ आंसर, फोर्थ आंसर सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट जो द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, जो करेक्टली मैच्ड है उसको आपको सेलेक्ट करना है, पहला दे रखा है बेसिलस थुरिंजियंसिस जो बीटी है उसके अकॉर्डिंग देखो बैक्टीरियल पैथोजन इन द क्रॉप, यहाँ मिस्टेक हो गई, ये जो बीटी होता है ये फसलों में जीवाणुमय रोग कारक, बीटी जो है रोग कारक नहीं है, बीटी को तो अपन यूज करते हैं, उसके जो जीन है जो क्राई जीन है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं अपन, तो बेसिलस थुरिंजियंसिस है वो पैथोजन में कंसिडर नहीं करेंगे। अगली मैचिंग पे चलते हैं, पीसीआर टेक्निक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक जीन, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें अपन एम्पलीफिकेशन करवाते हैं, आइडेंटिफिकेशन में इसका कोई यूज नहीं है। ट्रांसजेनिक कॉटन पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, बिल्कुल बात सही है, जो ट्रांसजेनिक कॉटन है बीटी कॉटन जिसको अपन बोल देते हैं वो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप होती है। नेक्स्ट ह्यूमन इंसुलिन produced through genetic engineering in which C peptide is present, यहाँ सर गलत हो गया, C peptide अपने पास में जो mature insulin होता है उसमें नहीं होती, और यही तो सबसे बड़ी समस्या थी सर शुरू में जब insulin बनाया गया था, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि pro insulin जो होता था उसमें अपने पास में A और अपने पास में B और C peptide अपने पास में present थी, तो तीन पेप्टाइड थी, तो अपने पास में कंपनी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस सी को रिमूव कैसे करना है, तो फिर उसने क्या किया ए और बी का अपने पास में सेपरेशन निकाला और ए और बी को अलग अलग बैक्टीरिया में फॉर्म कराया, तो ए पेप्टाइड बनती है इकोलाई बैक्टीरिया में इसमें बनती है तो ए बैक्टीरिया में, और बी पेप्टाइड बनती है वो दूसरे बैक्टीरिया में बनती है, तो दोनों को अभी भी कंपनी अलग अलग बनाती है, फिर दोनों को अपने पास में बाहर डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ा जाता है, तो अपने पास में सी पेप्टाइड का कोई रोल नहीं होता है आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने में, तो ह्यूमन इंसुलिन जो प्रोड्यूस्ड किया गया था वो अपने पास में उसमें सी पेप्टाइड कहीं दूर दूर तक ही दिखाई नहीं दिया, ओनली ए और जो बी पेप्टाइड है वही प्रेजेंट होते हैं, सिचुएशन भी आता है जनरली, हां जो एक्टिव इंसुलिन है कंसिस्ट ओनली ए एंड बी पेप्टाइड, सी जो है वो नहीं होता, नहीं होता, और बहुत बार ये भी पूछ लेता है कि ए और बी ए की बैक्टीरिया में बनाई गई थी या अलग अलग में, तो दोनों ए बैक्टीरिया की ए पेप्टाइड अलग बैक्टीरिया में बनाई जाती है और बी अलग में बनाई जाती है, तो दोनों अलग अलग में बनाई जाती है, बिल्कुल, तो इसमें हो जाएगा सर ये है। जो है ये भी मिस मैच हो गया करेक्टली, जो मैच है वो हो जाएगा आपका थर्ड। थर्ड नेक्स्ट एनी डिजायरेबल डीएनए इज ट्रांसफर इनटू एनी होस्ट वेयर इट कैन, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, किसी वांछित डीएनए को किसी पोसी में स्थानांतरित करते हैं जहां ये अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस भी किया था, हाँ। तो ये वहां क्या करेगा मल्टीप्लाई इजीली रिमेन सेफ
cause disease, multiply and express itself. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल। मल्टीप्लाई भी होगा और वो एक्सप्रेस भी करेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नेचुरली मे फाउंड और मल्टीप्लाई इन बैक्टीरिया। अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है, बिल्कुल सिंपली पूछा है। जो बैक्टीरिया है उसके अंदर आपको क्या करना है, डीएनए को एम्पलीफाई करवाना है, उसके अंदर जीन को आपको ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए आपको कौन सा वेक्टर काम मिले, और उसने बात किसकी की है, जो नेचुरली जो है प्रेजेंट होता है, जो नेचर में प्रेजेंट है, जो आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड नहीं होना चाहिए। कुछ वैक्टर होते हैं जो आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड है, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे अपन। देखो बैक्टीरियोफेज है, प्लाज्मा है, लिपोसोम है, तो यहाँ बैक्टीरियोफेज भी नेचुरल है और बैक्टीरिया के अंदर ही अपनी जो है क्लोनिंग करने में कैपेबल होता है। बैक्टीरिया को मारते हैं, बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे, और अपना डीएनए जब बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, तो अपन उसमें क्लोनिंग में यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मा दोनों ही वेक्टर है और ये नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। आंसर हो जाएगा बोथ वन एंड टू। Next, any desirable protein production in a heterologous host is take place. This protein is known as. बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। ये host cell है, इसमें एक दो concept बनते भी हैं। जैसा अभी अपन discuss कर चुके हैं, host cell के अंदर अपने क्या किया, gene को transfer कर लिया। तो obviously इस host cell के अंदर जो आपका RDNA है, उस RDNA में ये है आपकी foreign gene, foreign DNA. अभी जो फॉरेन डीएनए ऑब्वियसली यहाँ पर सर एक्सप्रेस करेगा तो यहाँ पर प्रोटीन बनेगी, और यही प्रोटीन जो उसको अपन बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन दैट एक्सप्रेस इन द हेटरोलोगस होस्ट सेल। तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिजाइन कर दिया, किसी वांछित प्रोटीन का उत्पादन विषम जात कोशी में होता है तो एक प्रोटीन कहलाती है, उसको अपन बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जैसे आपका इंसुलिन है वो भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का ही एग्जांपल है। डीएनए जो बनता है भाई, कोई भी जो डीएनए होता है उसमें अगर अपन एक फॉरेजन डीएनए और ऐड कर देते हैं तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए, और आरडीएनए से प्रोटीन बनेगी, वो क्या हो जाएगी सर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मे बी ए पॉसिबल सॉल्यूशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया सर, वहां पर दे रखा है जो जीएम क्रॉप्स उनके एडवांटेज क्या है, और एडवांटेज के सारे स्टेटमेंट जो है एकदम पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने मेंशन किया, और अक्सर क्वेश्चन भी आता है। तो पहला दिया है टू मिनिमाइज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल, बिल्कुल सिंपल है। वहां पर एग्जांपल आपको दिया है लाइक पेस्ट रेजिस्टेंट इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, अगर आपने ये डेवलप कर लिया तो आपको वहां पर एक्स्ट्रा जो है केमिकल जो है उनको यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और वो आपको पता है केमिकल जो है अपने लिए हार्मफुल होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। पहले To increase efficiency of mineral usage by the plant, तो obviously जो GM crops होती हैं उनकी जो mineral usage efficiency होती है ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो soil है उससे mineral को ज़्यादा consume करेगी, और soil के अंदर उसका cycle चलता रहेगा ताकि उस soil का लंबे time तक जो है exhaustion ना हो, लंबे time तक उसकी fertility जो है maintain रहे। Third the enhanced nutrition value of the food, बिल्कुल important है, जो food है उसके nutrition value को भी increase करती है, like आपका golden rice हो गया, इसमें जो विटामिन ए है वो रिच होता है, और सही बात है। काफी इंपॉर्टेंट भी है, जो जिनके नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह होती है उनके लिए वो यूजफुल भी होता है। तो सारे जो इफेक्ट है वो अपने जीएम क्रॉप के एडवांटेज को ही जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिंपल है फोर्थ। थ्रू ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोडक्ट्स व्हिच डिजीज ट्रीटमेंट आर पॉसिबल सक्सेसफुली, बिल्कुल ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाया है, वहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो यहाँ देखो क्या दिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एम्फाइसीमा, फिनाइल कीटोन यूरिया, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही है। जो ये डिजीज जो है उनके ट्रीटमेंट के लिए अपन आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज कर चुके हैं, जो ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज कर चुके हैं ताकि उनसे उनके जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करके उनका यूज करें। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है जो एम्फाइसीमा का जो दे रखा है अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो है उसको जनरली अपन यूज में लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्फाइसीमा, और बाकी इनके लिए भी अपन जो है वो ऐसे प्रोडक्ट बना चुके हैं जिनका यूज जो इनके ट्रीटमेंट में काम आता है। तो यहाँ पर सारे हो जाएंगे ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टी नेशनल कंपनीज अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑफ द रिलेटेड कंट्री पर्सन इज नॉन एज. बिल्कुल सिंपल है, डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ लिए. अब तो जीएसी अपने पास में बना ली गई है, जो अपने पास में इसको कंट्रोल करती है अप्रूवल कमेटी. तो ये बायोपायरेसी का मतलब ये होता है कि किसी देश से संसाधन को चुरा लेना. तो अपने पास में इंडिया के तो लगभग सर सभी चीजों का बायोपायरेसी किया जा चुका था, नीम का भी, राइस का भी, और अब धीरे 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 उसको अपने पास में जीएसी द्वारा हटाया जा रहा है. अब तो हर चीज की इससे अपने पास में अनुमति लेकर के जानी पड़ेगी. तो बायोपायरेसी का मतलब है कि किसी भी देश के संसाधन को दूसरे देश द्वारा चुरा लेना या उसका उसके बिना परमिशन के पेटेंट करवा लेना बायोपायरेसी. बिल्कुल आंसर हो जाएगा सेकंड. और बायोपायरेसी को रोकने के लिए जैसा सर ने बताया उसके लिए किया जाता है बायोपेटेंट. बायोपेटेंट इज अ राइट टू प्रोटेक्ट द बायोपायरेसी. वो भी गवर्नमेंट जो आपको राइट देगी ताकि बिना कोई ऑथराइजेशन के कोई भी आपके द्वारा बनाया गया कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है किसी भी कंट्री का है किसी भी कोई प्रॉपर जो है कोई भी प्रोड्यूसर है वो यूज ना कर पाए. तो यहाँ पर दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट. तो दोनों वर्ड के अकॉर्डिंग कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं. और इसमें सर दिया रखा है थोड़ा बाकी ऑप्शन देख लेते हैं. बायो फॉर्मेशन कोई नॉर्मल टर्म है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. बायोवार ये इंपॉर्टेंट टर्म है. बायोवार जो आजकल यूज कर रहे हैं बायोवार यूज ऑफ द लीथल माइक्रोब्स टू मास किलिंग. तो आजकल बायोवार पे भी काफी काम हो रहा है. बायोवार से सर कोई बच नहीं पाता. बिल्कुल जो छोड़ता है वो भी जाता है काम से. बायोवार तो इफेक्ट सबको करेगी, सबको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं घूम के वहीं पर भी आएगा. तो ये बाकी टर्म दे रखी है इन पर थोड़ा फोकस करना. बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है एक तरह से ये शायद कंप्यूटर जो है अपने पास में उसका यूज बायोलॉजिकल सिस्टम में भी काम आते हैं. ये अपने पास में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हुई थी सबसे पहले तब लिया गया था. तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की शुरुआत बायोलॉजी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हुई. तो अपने पास में क्रिस्टल प्रोटीन अटैक ऑन इंसेक्ट्स एंड किल देम दीज इंसेक्ट्स आर बिलोंगिंग टू. ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन बना है. बिल्कुल. तो इसमें देखो तीन ग्रुप दिए हैं आपके इंसेक्ट के. क्राई प्रोटीन के बारे में है ये अपने पास में. और क्राई प्रोटीन जो है वो अपने पास में क्राई जीन से ही बनती है. और जो इंसेक्ट के मिडगट में ये इफेक्ट करती है. बिल्कुल. मिडगट पीएच जो है बेसिक पीएच होती है. बेसिक पीएच पर अपने पास में ये इफेक्ट करती है और इसमें जाकर के बाइंड होती है जिससे पोर का निर्माण होता है और पोर में पानी भर जाता है और पानी के भरने से अपने पास में मिडगट फट जाती है. क्योंकि सर जो फोरगट और अपने पास में हाइंडगट है उसपे तो काइटिन पाई जाती है इंसेक्ट के पे. तो उसपे तो अपने पास में ये इफेक्टेड होगी नहीं. तो जो भी काम होगा वो सिर्फ कहाँ पर होगा मिडगट पर. उन्होंने जो इंसेक्ट है उनके ग्रुप को पूछा है. हाँ. तो यहाँ पर दे रखा है लेपिडोप्टेरन डिप्टेरन एंड पोलियोप्टेरन. तो तीनों जो ग्रुप उनसे रिलेटेड इंसेक्ट है उनको ये इफेक्ट करेगा. और वो एग्जांपल भी दिए हैं. एग्जांपल भी या कई बार एनसीईआरटी में पूछ लेता है वो लेपिडोप्टेरन में जैसे आपका टॉपिक हो जो है बर्ड वर्म है आर्मी वर्म है. इसके अलावा डिप्टेरन का दिया है आपका पोलियोप्टेरन बीटल्स आ जाते हैं. डिप्टेरन के अंदर मॉस्किटो फ्लाइज वगैरह आते हैं. तो उन एग्जाम्पल्स को भी आपको याद रखना है कई बार पूछ ले. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फोर. Next, which of the following process used for the separation and isolation of the vector or plasmid? तो अगर आपको plasmid को या vector को या बोले तो DNA को क्या करना है separate करना है. और separation के लिए technique एक ही होती है DNA को separate करना है. तो gel electrophoresis. आंसर हो जाएगा आपका fourth. Which of the following is used to deliver desirable gene into the animals? बिल्कुल यहाँ पर vector के according बात कर रहा है. तो यहाँ summarize कर देते हैं जो वेक्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी ने बिल्कुल मेंशन किए हैं. तो यहाँ वेक्टर के लिए देखो सर होस्ट सेल अपन बैक्टीरिया ले सकते हैं प्लांट ले सकते हैं और बिल्कुल पेटेंट क्वेश्चन है दिमाग लगाना भी नहीं है. अगर आपके पास बैक्टीरियल सेल होस्ट सेल तो उसके लिए अपन जनरली वेक्टर काम में लेते हैं. आपका बैक्टीरियोफेज हो गया इसके अलावा आपका प्लाज्मिड प्लाज्मिड हो गए फेजमिड हो गए बैक हो गया बैक्टीरियल इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. अगर आपके पास एनिमल सेल है तो उसके लिए वेक्टर काम में लेते हैं रेट्रोवायरस 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 ओंकोवायरसेस उनकी पैथोजेनिसिटी को नष्ट कर देते हैं. और फिर और प्लांट के केस में बिल्कुल सिंपल है डायरेक्ट ये को सुनाते हैं आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड एग्जांपल याद रखना है. प्लांट के केस में पूछे तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन एक्ट एज द वेक्टर टू इंट्रोड्यूस द फॉरेन जीन इनटू द प्लांट सेल्स. तो जनरली इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे. इसने बात की किसकी एनिमल सेल की तो सीधा अपन किस पे जाएंगे. यहां देखो एग्रोबैक्टीरियम नहीं होगा बैक्टीरियोफेज नहीं होगा ई कोलाई नहीं होगा. याद रखना डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस ये बैक्टीरिया में हो गया और ये एनिमल्स बिल्कुल अपने पास में ये
If a desirable DNA insert in ampicillin resistant gene in plasmid PBR322, then it transferred in host cell and these bacteria transferred in agar plate contain ampicillin. Then काफी जो है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, पूरा इसके लिए आपको पूरी स्ट्रेटेजी जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. आपको पीबीआर 322 का डायग्राम बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, सेलेक्टेबल मार्कर कितने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा कि जीन को किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है, किसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा, फिर वो जो होस्ट सेल है वो कौन से मीडियम पे ग्रो करेगी, कौन सा जो एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, तब जाके क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो पाएगा. तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता होनी चाहिए. तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं. आपको इंसर्ट करना है डीएनए को किसमें किया, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन में. इसको डायग्राम से थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं सर. बिल्कुल सिंपल है, जो आपका पीबीआर 322 है उसके अगर स्ट्रक्चर पे जाएं तो उसमें सीधा मैं बात कर रहा हूँ सेलेक्टेबल मार्कर. इसमें दो सेलेक्टेबल मार्कर है, सीधा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. ये वाला जो सेलेक्टेबल मार्कर जो है ये है आपका TETR जी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. और ये वाली जो सेलेक्टेबल मार्कर है इसको मैंने यहाँ मार्क किया है, दैट इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस एमपीआर जी. ऑब्वियसली ये जो पीबीआर 322 है इसका मतलब ये हो गया कि दोनों एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो गया. अगर इसको आप ग्रो करोगे टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलिन मीडियम में तो ये जिसके पास होगा उस सेल के पास वो दोनों में ग्रो करेगी, बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पीसिलिन. अब क्वेश्चन में सर पूछा है उसने कि भी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है उसके अंदर जीन को क्या करा, इंसर्ट कर रहा है. तो अगर आपने फॉरेन डीएनए को यहाँ लाइगेट करवा दिया तो यहाँ हो जाएगा एएमपीआर जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. ये इनएक्टिवेट होगी तो इसका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा तो ये वाला जो आपका आरडीएनए है वो क्या हो जाएगा, सेंसिटिव एम्पीसिलिन, सेंसिटिव टू एम्पीसिलिन बट रिमेन रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन. अभी आपको याद रखना है, आप उसकी इच्छा है कौन से मीडियम में ग्रो कराए, तो अब आप खुद ही दिमाग लगाओ. आपने अगर होस्ट सेल को एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो करवाया तो यहाँ ग्रोथ नहीं होगी, उसकी डेथ हो जाएगी. और अगर आपने टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करवाया तो इजीली ग्रो करेगी क्योंकि उसके पास अभी भी टीटीआर जीन जो है वो एक्टिव है. तो बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर पे जाना है. तो देखते हैं आंसर में क्या कह रहा है. ट्रांसफर इन होस्ट सेल द बैक्टीरिया ट्रांसफर अगर प्लेट कंटेन एम्पीसिलिन देन, तो एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में उसको आपको क्या करवाना है, ग्रो करना है, तो उसका जो है क्या रिजल्ट होगा सर. एक बार इसमें ना ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी बताना पड़ेगा. बिल्कुल, चलो बताइए. देखते हैं, देखे जाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन आ रहे हैं उस हिसाब से. ये देखो यहाँ पर, देखो डायरेक्ट बताए जाते हैं यहाँ पर अपने तीन केस होंगे जो आपने ये कल्चर करवाया. तो प्रोबेबिलिटी जो है तीन केस की होती है. एक तो वो सेल बैक्टीरियल सेल जिनके अंदर कोई भी डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ तो उसको अपन बोल देंगे नॉन ट्रांसफॉर्म. तो ये नॉन ट्रांसफॉर्म है, उनमें कोई भी जो है डीएनए का इंसर्शन नहीं हुआ. दूसरा केस ये भी हो सकता है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कि यहाँ पर डीएनए एंटर हुआ है लेकिन वहाँ हो सकता है केवल वेक्टर चला गया, आरडीएनए जो है एंटर नहीं होगा. तो ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्म तो है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट. और जो थर्ड केस है, थर्ड केस ये हो सकता है कि इसके अंदर आपका आरडीएनए प्रेजेंट है, दैट इज आरडीएनए. तो ये ट्रांसफॉर्मेंट है ऑब्वियसली लेकिन इसको अपन बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट एंड दैट इज आवर डिजायरेबल होस्ट सेल जिसको क्या करना है आपको. आपने काम की यही है सर, है इसी को ही फाइनली जो है सेलेक्ट करना. बाकी इन दोनों को तो अपने को अलग ही करना है, कैसे भी करके उनको छांट करके इनको अलग करना है. अब ऑप्शन पे आते हैं हम, तो क्योंकि ऑप्शन में ट्रांसफॉर्मेंट दिया हुआ था तो यहाँ दिया देखो बोथ ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल विल डाई. तो यहाँ देखो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनमें तो सर कोई डीएनए गया नहीं, ऑब्वियसली वो तो सेंसिटिव है, सेंसिटिव है, उनकी डेथ हो जाएगी. लेकिन जो ट्रांसफॉर्म्ड है वो भी अपने पास में एम्पीसिलिन तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया. ट्रांसफॉर्म में दोनों केस आ गए, अभी अपन ने बताया रिकॉम्बिनेंट भी है नॉन रिकॉम्बिनेंट भी है. तो जो रिकॉम्बिनेंट है वो तो क्या करेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो करेंगे. तो इस स्टेटमेंट में अपन नहीं जा सकते. सेकंड, रिकॉम्बिनेंट रेसिपिएंट सेल विल डाई एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट रेसिपिएंट सेल विल ग्रो. बिल्कुल अभी देखो डायग्राम से समझाया, जो रिकॉम्बिनेंट है उनकी डेथ हो जाएगी बिकॉज इट इज सेंसिटिव टू द एम्पीसिलिन बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कैपेबल टू ग्रो इन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम. तो आंसर तो सर यही हो जाएगा. फिर भी देखते हैं नेक्स्ट, ऑल ट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल विल ग्रो एंड non-transfer resistant cell will
पूरी स्ट्रेटेजी को बेटा समझना है, क्योंकि स्ट्रेटेजी दिमाग में होगी, क्योंकि एक नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया वो कोई भी क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है कि लाइगेशन कहाँ करवाया, किसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा, टेट्राहाइड्रिन का भी हो सकता है, आपको चेक किसी का भी हो सकता है, वो केस के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा कौन सा केस दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, काफी बात आपने बता भी दी थी, फर्स्ट प्रोड्यूस इन ई कोलाई, बिल्कुल सर सही बात है, ई कोलाई में टू पॉलीपेप्टाइड चेन जैसा भी सर ने बताया, ए चेन एंड बी चेन होती है, बिल्कुल करेक्ट है, सी पेप्टाइड चेन इज प्रेजेंट, नहीं हो जाएगा, कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल कैन टेक अप द प्लाज्मिड एट जीरो डिग्री टेम्परेचर, गलत हो जाएगा सर ये, तो अपन एक काम करते हैं साथ साथ मेंशन कर देते हैं ये वाला स्टेटमेंट जो है अपना करेक्ट है, ये इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट क्यों हो गया, जीरो डिग्री सेल्सियस नहीं, उसके लिए आपको चाहिए 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। भाई जीरो पे तो अपन देखो 42, फिर जीरो पे ले जाते हैं, फिर वापस 42 पे, इस तरह से अपने पास उसको ट्रांसफर करते हैं, पहले जीरो पे लाएंगे फिर 42 डिग्री सेल्सियस, फिर उसको जीरो पे वापस मेंटेन करेंगे। तो 42 जो है उसको अपन बोलते हैं हीट सोक method. तो जैसे ही आपने टेम्परेचर अचानक से इंक्रीज किया तो ऑब्वियसली जो मेम्ब्रेन उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और ड्यूरिंग दिस डीएनए एंट्री और डाइमर हो जाएंगे उसके, तो स्टेटमेंट ये हो जाएगा आपका इनरोइड। ठीक है, द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, जितने भी प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस करवाने हैं तो उसके लिए डीएसपी जो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है वो वेरी करेगा, अलग-अलग प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग टेक्निक अपन काम में लेते हैं। डी स्टेटमेंट चलते हैं, इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR-32 हैव सेवरल रेस्ट्रिक्शन साइट्स और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स एंड रो, बिल्कुल सही बात है, जो अभी सर आपने बताया भी था PBR-32 उसमें जो है बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी हैं अलग अलग, लेकिन आरे के लिए वो इम्पोर्टेंट बात है, अरे के एंजाइम के लिए मतलब बहुत सारे एंजाइमों की एक एक रेस्ट्रिक्शन, बिल्कुल एक के लिए एक ही होनी चाहिए, एक के लिए एक ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा होगी तो प्लाज्मिड के टुकड़े हो जाएंगे, काफी सारे फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे, हां जैसे मान लो कि एक से ज्यादा होगी तो ऐसे प्लाज्मिड के टुकड़े हो जाएंगे और वो हमारे लिए काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो गया, ये हो गया करेक्ट। स्पूलिंग प्रोसेस रिक्वायर चिल्ड एथेनॉल फॉर डीएनए सेपरेशन, बिल्कुल ये सेपरेशन से चिल्ड एथेनॉल को अपन यूज करते हैं और स्पूलिंग प्रोसेस की हेल्प से उसको अपन वहां से आइसोलेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पूछा गया है इसमें आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट नहीं होगा, ऑल राइट एक्सेप्ट बी, तो बी वाला आपने बता दिया करेक्ट है, बाकी सारे क्या है करेक्ट, आंसर से यहां हो जाएगा अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, बिल्कुल सारे पर्पस के अकॉर्डिंग बात करनी है, टू स्टडी फॉर द स्टडी ऑफ डिजीज, बिल्कुल सही बात है, काफी डिजीज की स्टडी कर चुके हैं अपन, बिल्कुल सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, अल्जाइमर, काफी डिजीज जो उनकी स्टडी कर चुके हैं, किसकी हेल्प से, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, 90% अपने पास में माउस से माइस जो है उनको अपन डेवलप कर चुके हैं और ऑब्टेन यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बिल्कुल करेक्ट बात है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने में भी अपन यूज में लेते हैं, जैसे अल्फा एंटी ट्रिप्सिन, बिल्कुल अगर अपने पास में जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, रोजी जो काऊ है, इंपोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, रोजी काऊ से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, फॉर वैक्सीन टेस्ट एंड केमिकल सेफ्टी, बिल्कुल सही है, क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स हैं माइस वगैरह को यूज करते हैं, फॉर स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड द डेवलपमेंट, तो सर सारे ही जो है ट्रांसजेनिक एनिमल के एडवांटेज हो गए, तो यहाँ सही विकल्प पे जाना है, तो ऑल आर राइट, सारे के सारे सही। फाइंड आउट द मिसमैच पेयर सदर्न ब्लोटिंग, तो यहाँ दे रखा है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट पेयरिंग है, सदर्न ब्लोटिंग का यूज करते हैं डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वहां मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन ही है, उसको नायलॉन मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं।
सेकंड दे रखा है वेस्टर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग प्रोटीन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये तीनों याद कर लो, सदर्न ब्लोटिंग फॉर डीएनए, वेस्टर्न ब्लोटिंग फॉर प्रोटीन, एंड जो नदर्न ब्लोटिंग है फॉर द आरएनए आइडेंटिफिकेशन। VNTR, VNTR की वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, बिल्कुल 20 KB to 100 KB। हाँ ये जो है गलत दे रखा है, 20 KB, ये वेरी कर रहा है, ये गलत है। PCR जो है टैग पॉलीमरेज, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCR टेक्नोलॉजी। PCR के बारे में तो अपन ने ज्यादातर चीजें बताई, फिर भी देख लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन PCR इज थर्मोस्टेबल, बिल्कुल सही बात है सर, मेंशन करते जाओ। इसका डीनेचुरेशन, डीनेचर ऑफ द डीएनए इज कैरिड एट 92 डिग्री पे, बिल्कुल सही है। PCR वाज डेवलप्ड बाय द कैरिमोनस, वापस आ गया था। प्राइमर्स यूज्ड इन PCR आर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर एनीलिंग, अगर एट 90 डिग्री, यहां गलत हो जाएगा सर, 40 डिग्री के लगभग, तो आंसर भी होना 42 मान लो इसको, 42 डिग्री पर अपने पास में ये होता है। बैक्टीरिया पोजेसिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज प्रेजेंट, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। जो आरी होते हैं उनका बड़ा यूज है सर, बिल्कुल डीएनए को अगर आपको कट करना है, फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आरी यूज लेने पड़ेगा। तो इसमें पूछा गया है जीवाणु जिसमें सीमाकारी एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम उपस्थित होते हैं प्रदर्शित करते हैं, अफेक्टेड बाई बैक्टीरियोफेज, तो इसमें यूज बताना आपको कि इसके अंदर उसका क्या रोल है आरी का। बिल्कुल, और बैक्टीरिया इसको रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा की जरूरत उससे पड़ती है बैक्टीरियोफेज से, तो क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो बैक्टीरिया को मारते हैं, तो बैक्टीरियोफेज से सुरक्षा के लिए बैक्टीरिया अपने साइटोप्लाज्म में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम रखते हैं। जैसे ही बैक्टीरियोफेज का डीएनए अपने पास में बैक्टीरिया के अंदर आएगा तो ये उसको क्या कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब जिस बैक्टीरिया के पास में अपने पास में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है वो बैक्टीरियोफेज से रेजिस्टेंस हो जाएगा, उससे मरेगा नहीं। तो अपने पास में अब इसके खुद के एंजाइम को, मतलब जो होते हैं ये खुद के डीएनए को क्यों नहीं काटते, क्योंकि 5' पर क्या कर देता है, मिथाइलेशन जोड़ देता है अपने पास में, तो ये अपने पास में मिथाइलेशन कर देता है, तो इसका खुद का तो बचा रहता है, और बैक्टीरियोफेज जब भी इसमें अटैक करेंगे तो बैक्टीरियोफेज को ये क्या कर देगा, निर्माण करता है किसका, इसका रोल ही क्या है, वेक्टर के रूप में इसको अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन दिया है, दे हैव मेनी ओरिसाइट, यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा। ओरिसाइट जो है याद रखना प्रोकैरियोटिक डीएनए में ऑलवेज वन होती है, क्योंकि छोटा डीएनए होता है ना, तो इसलिए अपने पास में एक होती है। व्हिच इज नॉट इंक्लूड एज कैरेक्टर ऑफ वेक्टर, वही वेक्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं सर। प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एज सेलेक्टिव मार्कर, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। बिना सेलेक्टिव मार्कर के इसको अपन यूज कर ही नहीं सकते, कर नहीं सकते। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी टेट्रासाइक्लिन का, अपन ने बात की थी। प्रेजेंस ऑफ ओरी बिल्कुल है, सही बात है, एप्लीकेशन के लिए ओआरआई कैन प्रोड्यूस ए प्रोटीन व्हिच कैन डिग्रेड होस्ट सेल, बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसी कोई जो है
प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, जो होस्ट सेल को डिग्रेड करेगा। बिल्कुल सही है, साइज बिल्कुल सुटेबल होती है इसकी, साइज जितनी कम होगी उतनी ज्यादा डीएनए को अपन इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं, क्लोन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है नॉट इंक्लूड, तो आंसर हो जाएगा सिंपल है थर्ड। Use of antibiotics in chemical genetic engineering process help in, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन दिया है। जो एंटीबायोटिक्स है उनका क्या रोल है, देखो सर यहाँ पर वर्ड दिया है केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस और बायोप्रोसेसिंग इसको अपन बोल सकते हैं। तो देखो एनसीईआरटी में आपके दो पॉइंट दे रखे हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, वहां पर दो स्टेटमेंट दिए, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड इज केमिकल। जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो अपन करेंगे क्या, मैनिपुलेशन करना, डीएनए को आइसोलेट करना, उसको काटना पीटना, उसके बाद होस्ट सेल के अंदर प्रोड्यूस करना। लेकिन जो केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस उसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, एम्बियंट जो आपका एनवायरमेंट है, जो एम्बियंट है उसको अपन क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, जो बिल्कुल क्या हो, कंटामिनेशन फ्री हो, दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कंटामिनेशन फ्री एनवायरमेंट। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह स्ट्रेटेजी काम में लेनी पड़ेगी जहां आपके जो अनवांटेड जो माइक्रोब्स है वहां क्या हो जाए, डेस्ट्रॉय। तो इसने दे ही दिया कि एंटीबायोटिक का क्या यूज होगा, तो एंटीबायोटिक जो है उसका यूज करोगे तो बैक्टीरिया वगैरह डेस्ट्रॉय करने का काम करेगा। ऑप्शन पे चलते हैं मेंटेन द एसेप्टिक कंडीशंस, मतलब मान लो कि ये कोई प्लेट है तो हमें जिसको संवर्धन कराना है तो बाकियों को खत्म करना है, पहले एंटीबायोटिक डाल देंगे ताकि बाकी के बैक्टीरिया डाल देंगे तो अपने पास में वो ही which is false statement for cloning vectors, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वही रिपीट हो रहा है, दे हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, बिल्कुल करेक्ट है, नंबर ऑफ प्लाज्मिड आर हाई कंपेयर्ड टू द बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया, यहां पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज होता है उसका वायरस कॉपी नंबर बहुत ज्यादा होता है, थाउजेंड्स में होता है, और आपके प्लाज्मिड का कॉपी नंबर कम होता है। दे आर नॉर्मली इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है, इनका जो है मेन जीनोम से कोई लेना देना नहीं होता, इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं ये क्लोनिंग करते हैं, दे मेक कन्वर्ट एज आरडीएनए, ऑब्वियसली आरडीएनए जो है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उसके बाद जीन लाइगेट कर दोगे तो आरडीएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट, तो फॉल्स में सर हो जाएगा आपका सेकेंड होगा, नंबर ऑफ प्लाज्मिड आर हाई कंपेयर्ड टू द बैक्टीरियोफेज इनकरेक्ट होगा, ये बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट होना, बैक्टीरियोफेज का नंबर क्या होता है, हाई होता है। Which of the following explain the role of heat soak during the transformation? अभी थोड़े देर पहले discuss किया है। अभी थोड़े देर पहले discuss किया है अपन ने 0 से लेकर के 42 और फिर वापस अपने पास में 0 वाला। तो 42 पे heat soak हो जाएगा। हाँ, ये bacteria में gene transfer का method है। बिल्कुल। तो अपने पास में decrease absence of transformation, separation of DNA from bacterial cell wall, increase absence of transformation process, तो ये increase करने का काम करता है। जिन्होंने आरई को डिस्कवर किया था, इम्पोर्टेंट नोबेल प्राइज मिला। Genetic engineering would not have been possible if one of these were absent. तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है टैग पॉलीमरेज, सेकंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, थर्ड है डीएनए लाइगेज एंड फोर्थ इज आरएनए सिंथेसिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बिना आनुवंशिक अभियांत्रिकी संभव ही नहीं हो सकती, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर टैग पॉलीमरेज का सबका रोल आपको पता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए लाइगेज, आरएनए सिंथेसिस, तो जो मेन इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है आपका डीएनए लाइगेज जो है उसका यूज करते हैं अपन किसके लिए, आरडीएनए बनाने के लिए। तो जब तक आरडीएनए नहीं बना होगा और ओरिजिन जीन को यहां पर अपने को जोड़ना है तो अपने को लाइगेज चाहिए, अगर जीन नहीं जुड़ेगी तो फिर अनुवांशिक अभियांत्रिकी संपन्न ही नहीं होगी। तो इसका मतलब हमें लाइगेज को जोड़ने के लिए अपने पास में लाइगेज की जरूरत होती है जीन को जोड़ने के लिए, तभी आरडीएनए बनेगा, तभी आरडीएनए बनेगा, क्योंकि टैग पॉलीमरेज वगैरह तो ये अपने पास में इंक्रीज करेंगे नंबर, नंबर तो हम आई ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का भी इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन जितने भी आर डीएनए बनाएंगे सब में अपने पास में डीएनए लाएंगे जरूरी होता है, तो ये मेन स्टेप होगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सस्पेक्ट योर पेशेंट टू बी सफरिंग फ्रॉम अ बैक्टीरियल डिजीज, हाउएवर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द पेशेंट बॉडी वेरी लेस, इज द फॉलोइंग मेथड कैन हेल्प यू डिटेक्ट द these pathogen in the laboratory, बिल्कुल सिंपल सा है, molecular diagnosis पे जा रहा है सर, उसके according question बनाया है सर, सर ने थोड़ी देर पहले आपको बताया था,
अगर मोली जो पैथोजन उनका नंबर बहुत कम है बॉडी में, अभी उन्होंने इन्फेक्शन नहीं किया है, कोई डिजीज के सिम्टम नहीं आए हैं, तो आपको डिटेक्ट करना है तो मोलिकुलर डायग्नोसिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। वहां पर काफी मेथड दिए हैं सर एनसीईआरटी में, आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर है, इसके अलावा जो है ब्लोटिंग टेक्निक भी काम में लेते हैं, आपके जो डीएनए प्रोब है आरएनए प्रोब उनका यूज करते हैं, इसके अलावा जो है अपन पीसीआर की हेल्प से जो है एम्प्लीफिकेशन वगैरह कराते हैं, एलिजा मेथड होता है, काफी सारे मेथड है। तो उन्होंने देखो मेंशन भी कर दिया कि नंबर इंक्रीज करने है तो आपको किस पे जाना पड़ेगा, पीसीआर मेथड। भाई पीसीआर जो आजकल कोरोना वायरस में भी हो रही है, डीएनए की जगह बैक्टीरिया की जगह वायरस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो पीसीआर अपने पास में सबसे यूजफुल होगा। ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल बाय ए बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड, ये बिल्कुल ये अपने प्लांट डायवर्सिटी से लिंक करता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्लांट डायवर्सिटी से अपने पास में इसको लिंक करते हैं तो अपने पास में होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो अपने पास में होता है बैक्टीरियोफेज अपना बैक्टीरिया डीएनए के, वो बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करता है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन के नाम से जानते हैं। सुपरबग इज यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग, अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। सुपरबग जो है आनंद मोहन चक्रवर्ती, उसमें दो तीन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट भी हैं, जो आपका बैक्टीरिया है जो उसने डिजाइन किया था, दैट इज आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड है, जो नेचर में नेचुरली अकरिंग नहीं है, उसको डिजाइन किया गया था, जिसको अपन बोलते हैं सुडोमोनास पुटिडा, सबसे पहले भी बोलते हैं सुपरबग, हां फर्स्ट बायो पेटेंट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बायो पेटेंट इसी का करवाया गया। और ये जो होता है अपने पास में समुद्र वगैरह में ऑयल ईटिंग बर्ड होता है, ऑयल को खाता है, यही क्वेश्चन उसने पूछा है, इसका यूज जो है क्रूड ऑयल पोल्यूशन कॉज बाय द समुद्र के ऑयल टैंकर, तो इसको कंट्रोल करने के लिए अपन काम में लेंगे, काम में लेते हैं उसके पोल्यूशन। Which is not a feature of genetically modified plant. अभी सारी बातें हो चुकी हैं, read करते हैं, made crop more tolerant to the cold and heat, बिल्कुल सही है, reduce reliance on the chemical pesticide, बिल्कुल correct है, cannot reduce post harvest losses, गलत हो गया सर, ये जाएगा क्योंकि reduce करता है post harvest losses को, reduce करेगा, तो यहाँ पर उन्होंने tomato वगैरह बनाएंगे जो flower shower variety जो है वो develop की गई। The mobile genetic element is, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जो है उनको बोलते हैं अपन ट्रांसपोर्ट, दीज आर द जंपिंग जीन्स, जो अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती हैं, तो ये थोड़ा सा क्या एनसीईआरटी में एक दो हिंट दे रखे हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनके टाइप वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना डिटेल में है नहीं, उनको ज्यादा रीड आउट करना, लेकिन याद रखना ट्रांसपोजोम्स आर द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, ऑल्सो कॉल्ड द जंपिंग जीन्स, डिस्कवर्ड बाय बारबारा मैकलिंटो, एक बार अपन पढ़ा भी देते हैं क्लास में, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। Genetic engineering has been successfully used producing, option के according जाना है, first option दिया है transgenic mice for testing safety of polio vaccine before using the human, बिल्कुल सही बात है, transgenic model for studying new treatment of the certain cardiac disease, बिल्कुल गलत है इसका, cardiac disease में कोई ज्यादा transgenic cow रोजी which produce high fat milk, गलत हो गया सर, fat milk नहीं है वहां पर, जैसा थोड़ी देर पहले सर ने बताया था, प्रोटीन जो ह्यूमन प्रोटीन है उसको अपन डेवलप करते हैं, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन को डेवलप किया गया है, ह्यूमन मिल्क प्रोटीन, बिल्कुल एनिमल लाइक बुल्स यूज्ड बाय द फार्मर एज दे हैव सुपर पावर, तो इसका यहां जेनेटिक इंजीनियरिंग में कोई रोल नहीं होता, तो यहां एक इंपॉर्टेंट है आपका ये ट्रांसजेनिक माइस, माइस का। हाउ मेनी फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, सीधे मैच करवा देते हैं सर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन जो है ट्यूमर, बिल्कुल सही है, करेक्टली मैच्ड है, पोस्ट ट्यूमर कैंसर पोज करता है, बिल्कुल पैथोजन होता है जो डाइकोट प्लांट रूट से इंफेक्ट करेगा, डाइकोट के रूट में अपने पास में एक गांठें बना देता है, बिल्कुल जिसको क्राउन गार्ड डिजीज अपन बोलते हैं, पीबीआर 322 एंजाइम, ये इनकरेक्ट हो गया सर, एंजाइम नहीं होता है, वेक्टर होता है, थर्मस एक्विटिकस बीटी जीन कोई रेलेवेंस नहीं है इससे, तो अपने पास में बिल्कुल दोनों बातें अपन कर चुके हैं, लाइगेज प्लाज्मिड, तो लाइगेज और जो प्लाज्मिड है उनकी रेलेवेंसी क्या हो गई, लाइगेज जो उसको यूज करते हैं किसके लिए, आरडीएनए फॉर्मेशन के लिए, आरडीएनए जो उसका फॉर्मेशन करना है, तो हिंड जो सेकंड है मोलिकुलर सीजर, ये मोलिकुलर जो सीजर है बोले तो आपका आरी जो है, हिंड सेकंड क्या है, एक टाइप का जो आरी होता है, आरी को अपन क्या बोलते हैं, मोलिकुलर सीजर।
तो यहाँ आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, कितने जो है कितने सुमेलित कितने हैं। ऑब्वियसली ये सुमेलित हो गया। इसके अलावा सर रिलेशन में है, बनाते तो वेक्टर वगैरह ज्वाइन करवाते हैं, हिंट सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा आपका 1 2 3 3 3। तो पहला चला जाएगा CDNA ही। CDNA जो होता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है सर, थोड़ा समराइज कर ही दो कॉम्प्लीमेंट्री DNA को, इसके एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। हां, जैसे DNA जो है अपने पास में, इसको बनाया जाता है अपने पास में, CDNA को अपने पास में आर्टिफिशियली बनाया जाता है इसको कॉम्प्लीमेंट्री DNA। mRNA की सीक्वेंस हमें पता होती है क्योंकि अपने को कोई भी प्रोटीन की सीक्वेंस पता होती है, उस प्रोटीन से हम mRNA बना लेंगे, फिर उस mRNA से हम क्या करेंगे DNA बनाएंगे। HNRNA से बनाते नॉर्मल तो HNRNA से DNA बनता है, लेकिन ये mRNA से बनता है तो अपने पास में साइज में थोड़ा क्या होता है, स्मॉल होता है, और इसको अपने पास में बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री DNA, आर्टिफिशियल सिंथेसिस DNA भी अपन इसको बोल सकते हैं। जैसा सर ने बताया cDNA इज द कॉम्प्लीमेंट्री DNA दैट इज फॉर्म फ्रॉम द RNA, तो यहां RNA से बनाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज में लेंगे, आरटी को यूज में लेते हैं, फॉर्म बाय द आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज से उसमें कोई रोल नहीं है, डीएनए बना रहे हैं तो डीएनए पॉलीमरेज होगा। हां, इट फॉर्म्ड बाय ए डीएनए मॉलिक्यूल, ये डीएनए मॉलिक्यूल द्वारा बनाया जाता है, गलत बात होगी सर ने बताया, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा, तो वेरी सिंपल आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट, इट इज ए बेनिफिशियल टू हैव इंसुलिन बाय बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज जैसे काफी बार इसकी सर बात भी कर चुके हैं अपन, जो इंसुलिन का जो फॉर्मेशन है क्यों बेनिफिशियल है, इट इज लेस एक्सपेंसिव, नो एलर्जी ग्लूटेन से इट में प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, कमर्शियल लेवल पे इसका जो है प्रोडक्शन अपन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सारे जो है करेक्ट होगा। दूसरी बात है एलर्जिक बिल्कुल नहीं होता है, पहले के जमाने में जो इंसुलिन निकाला जाता था उसके मेन लॉस यही था, पहले बात तो एक्सपेंसिव बहुत होता था क्योंकि सबको नहीं मिलता था, दूसरा उसमें एलर्जी बहुत पावर होती थी क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म का डालोगे तो एलर्जी होगी, ये बिल्कुल बैक्टीरिया द्वारा आर्टिफिशियल बनाया जाता है एलर्जी नहीं होती, तो ऑल ऑफ दी आंसर चला जाएगा। One of the following pair is incorrect. Incorrect को आपको select out करना है. First pair is plasmid, small piece of extra chromosomal DNA in bacteria. That is correct matching. बिल्कुल सही बात है। Interferon, an enzyme that interfere with the DNA replication. बिल्कुल गलत है सर। Interferon तो जो है molecule होते हैं, जो virus वगैरह का जो infection होता है, तो उनका formation होता है। तो ये यहाँ पर incorrect हो गया। Cosmid, a vector for carrying large DNA fragment into host cell. बिल्कुल सही है सर। Artificially constructed vector होता है cosmid, phasmid वगैरह। VNTR used in DNA fingerprinting. बिल्कुल correct है, इनको use करते हैं। तो यहाँ पर जो incorrect है वो जाएगा सही। Band of DNA during DNA fingerprinting are appear on radiographic film by use of following. बिल्कुल important है। ये भी important है। X-ray बिल्कुल। Technique को नाम देते हैं अपन auto radiography। Auto radiography। जिसके अंदर X-ray जो है उनका use करेंगे। हाँ, X-ray film पे ही अपने पास में last में अपने निकल कर क्या? बिल्कुल। Biopiracy is related to which of the following? अपन discuss कर चुके हैं sir। Traditional knowledge, biomolecule. Regarding bio resources and bio resources, तो mainly जो है, जो bio piracy जो है, वो किससे related है mainly? Bio resource जो होते हैं, उसे अपन उसको connect करते हैं। बाकी जो परंपरागत ज्ञान होता है, या अपन बोलें जैविक स्रोतों के संदर्भ में, तो important यही है। Generally bio resource जो होते हैं, उनको अगर कोई use करेगा, जैसे अपन define कर सकें, तो उसके respect में जो है, उसको बोलेंगे bio piracy। जैसे कोई भी आपने राइस वगैरह मतलब बायो रिसोर्स को यूज करना है, बायो पायरेसी होता है किसी भी देश की। ये ओके हो गए, इंटीग्रेशन हो गए, तो इसमें अपन ने 50 क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए, बिल्कुल थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव थे। अब आगे की जो दो गुरुनीति आएंगे बायोटेक की, उसके अंदर जो सेकंड वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे, उसमें जनरली जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ज्यादा क्वेश्चन अपन ने यहां पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो एक बार आप पूरे बायोटेक को रिफ्रेश करें, एक बार रीडिंग लगाएं, ताकि क्वेश्चन के साथ डिस्कशन होता रहे, क्योंकि अपन कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन के साथ टॉपिक को सर लपेटे, ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जा पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट गुरुनिधि में। ऑल द बेस्ट।